हेलो स्टूडेंट्स, कल जेईई एडवांस 2022 का पेपर हुआ है और पेपर वन का एक क्वेश्चन मैं स्पेशली यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और वो भी C09 बैच के स्टूडेंट्स के लिए। C09 के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जेईई एडवांस के नाम से इनको डर बहुत लगता है। तो मेरा कहना ये कि जेईई एडवांस में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है जो कि आपको जेईई मेन्स में भी इतना ईजी क्वेश्चन हो सकता है ना मिले, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इन द फॉलोइंग सर्किट C1 इक्वल्स टू 12 माइक्रोफेरेड, C2 C3 4 माइक्रोफेरेड है, C4 एंड C5 2 माइक्रोफेरेड है, द चार्ज स्टोर्ड इन C3 इज, तो C3 में कितना चार्ज स्टोर हुआ है ये हमें माइक्रो कूलम में बताना है। तो डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये सिचुएशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है, C1, C2, C3, C4, C5 कैपेसिटर हमको दिख रहे हैं, दो बैटरीज भी दिख रही हैं, एक 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पर और एक है 6 वोल्ट की लेफ्ट साइड में। ऐसे क्वेश्चन क्लास में और इससे कई ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आपको पेपर और पेन हिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। करना क्या है, देखो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को या यहाँ पर कहीं पर भी मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ जिसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 वोल्ट होगा क्योंकि बीच में कोई बैटरी वगैरह तो कनेक्टेड है नहीं, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, ये भी 0 वोल्ट है। अब अगर ये 0 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हम बैटरी को क्रॉस करेंगे 2 वोल्ट की, तो 2 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस करते ही पोटेंशियल कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो यहाँ पोटेंशियल 2 वोल्ट है, अब यहाँ भी 2 वोल्ट ही होगा क्योंकि ना तो पोटेंशियल में गेन हुआ ना कहीं ड्रॉप हुआ, 2 वोल्ट। और हम यहाँ पर आ गए तो उसका पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। अब देखो C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट के बराबर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C3 इज 2 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस पता है और कैपेसिटेंस भी पता है, तो इसमें चार्ज कितना होगा, Q = CV के बराबर। तो C यानी कि C3 का कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट के बराबर, तो 2 वोल्ट। और इस पर जो स्टोर्ड चार्ज है वो कितना जाएगा, 8 माइक्रो कूलम के बराबर, एंड दिस इज दी आंसर। तो माइक्रो कूलम में अगर इसका आंसर निकालें तो ये आएगा 8 माइक्रो कूलम के बराबर। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि मुझे लगता है कि इजीएस्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, पेपर वन का। बाकी क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता था कि एडवांस में भी इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि सॉल्व करने में बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। बाय बाय।